गाइस, मेकअप करके स्किन को चमकाना तो सबको आता है, पर बात तो तभी होता है जब कोई बिना मेकअप करके भी खूबसूरत दिखती है, स्किन ग्लो करती है, क्लियर दिखती है। और इसीलिए दोस्तों, अगर आपकी स्किन नेचुरली ग्लोइंग और क्लियर है तो आपको हमेशा मेकअप लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बस सही तरीके से रेगुलर कुछ सिंपल स्किन केयर स्टेप को फॉलो करना चाहिए। और इसीलिए आज मैं आपके लिए 4 ऐसे इफेक्टिव स्किन केयर स्टेप्स लेकर आई हूँ। चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो या फिर कॉम्बिनेशन, ये आपके स्किन को कुछ ही मिनटों में इतना ज्यादा निखार देगा, ग्लोइंग बना देगा कि आप बस सोच नहीं सकते हैं, और जिससे आपको बार बार शीशे में अपने चेहरा ही दिखने का मन करेगा। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखकर सारे स्टेप को अच्छे से फॉलो करते रहिए। तो स्टेप नंबर 1 है क्लींजिंग, और जिसके लिए दही से बेहतर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको 1 टेबलस्पून दही लेना है और उसमें 1/2 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर देना है। और फिर इस क्लींजर को लेकर आपको पहले फेस को मसाज करना है और फिर उसके बाद ल्यूकोमोटस से वॉश कर लेना है। दोस्तों, दही से क्लींजिंग करने से स्किन में रहने वाले सारे गंदगी अच्छे से साफ हो जाता है और ये स्किन पोर्स को डीपली क्लीन भी कर देता है, और जिससे आप देखना स्किन में इंस्टेंट एक फ्रेशनेस और ग्लोइंगनेस आ जाता है। तो स्टेप 2 है स्क्रबिंग, जिसके लिए आपको पहले लेना है बनाना पिल और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा हनी और थोड़ा सा कॉफी डाल देना है, और फिर इस बनाना पिल को लेकर फेस को जेंटली रब करना है। दोस्तों, बनाना पिल के इतने सारे बेनिफिट्स है ना, मैं क्या क्या बताऊँ आपको। ये डेड स्किन को एक्सफोलिएट करके रफ और ड्राई स्किन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ बना देता है, और साथ ही बनाना पिल में रहने वाले विटामिन स्किन को नरिश एंड हाइड्रेट भी करता है, और जिससे स्किन इंस्टेंट बहुत ही फ्रेश लुकिंग और ग्लोइंग हो जाता है, और इससे रिंकल्स भी रिड्यूस होता है। तो करीब 2 मिनट तक आपको इसको फेस पर रब करना है और फिर नॉर्मल पानी से धो लेना है। तो स्टेप 3 में अब मैं आपको दिखाऊंगी एक खास फेशियल मसाज टेक्निक। तो इस खास फेशियल मसाज टेक्निक को करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है आलमंड ऑयल, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप एलोवेरा जेल ले लो। तो सबसे पहले ऑयल को लेकर आपको फेस पर अप्लाई कर लेना है, और फिर उसके बाद आपको लेना है 2 स्पून। तो स्पून को यहाँ पर मैं फ्रिज में रखकर पहले ठंडा कर लिया है। अब इस ठंडे ठंडे स्पून से हमें करना है फेशियल मसाज ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम चीक से स्टार्ट करेंगे, तो स्पून को ऐसे चीक्स पर रखना है और फिर अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे उसको पुल करना है। फिर चिन एरिया में, फोरहेड पर, अंडर आई एरिया में और लास्ट में नेक पर। पर याद रखें, हर स्टेप को आपको 10 टाइम्स करके करना है। दोस्तों, बिलीव नहीं कर पाओगे, ये सिंपल से स्पून मसाज से आपके स्किन में इंस्टेंट कितना ज्यादा फर्क आ जाएंगे। इससे स्किन के ब्लड फ्लो फास्ट हो जाता है, जिससे रिंकल्स, एजिंग साइंस रिड्यूस होता है और लूज स्किन टाइटन होकर रेडियंट, यूथफुल और ग्लोइंग हो जाता है। तो ऐसे सारे स्टेप से मसाज कम्प्लीट हो जाने के बाद आपको गर्म पानी में एक हैंकी को डिप करके फेस को क्लीन कर लेना है। तो अब स्टेप नंबर 4 फेस पैक, जिसके लिए हमें लेना है 1 टेबलस्पून योगर्ट यानी कि दही, फिर इसमें 1/2 टीस्पून बेसन और थोड़ा सा शहद ऐड कर देना है और फिर मिक्स कर लेना है। फिर ये रेडी हो जाएगा हमारा फेस पैक। तो अब इस पैक को लेकर फेस पर अप्लाई कर लेना है और इसे कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। दोस्तों, योगर्ट से बनी हुई ये फेस पैक स्किन टोन को इंस्टेंट ब्राइटन अप करने के लिए 1 ऑफ द बेस्ट पैक है। साथ ही ये ब्लेमिशेस, कर्ल्स और पिगमेंटेशन को धीरे धीरे रिड्यूस भी कर देता है। बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए इसे बस हफ्ते में 2 बार अप्लाई करके देखना, आपके जो स्किन है वो ग्लास की तरह पूरा क्लीन और चमकने लगेगा। तो यार, दैट इज इट गाइस, ये था मेरा 4 अमेजिंग स्टेप, जिसको फॉलो करने से आप देखेंगे आपके जो स्किन है वो धीरे धीरे कितना इम्प्रूव हो जाता है। आपके स्किन क्लियर हो जाएंगे, ग्लोइंग हो जाएंगे और स्किन पे कोई भी स्पॉट्स भी नहीं रहेंगे, और जिसे आपको हमेशा मेकअप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्किन नेचुरली बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा।